Yes, we'll start with sum number 47. First of all, good morning to all students. Formal good morning. And sum number 47 of chapter note 4, profit organization. Page number is 1.72. I am reading the sum. It says, following is the summary of cash transactions of Royal Club for the year 31st March 2021. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड देखिए आपको टू बैलेंस ड्रॉ डाउन दो दिए हुए हैं, कैश इन हैंड का भी दिया है, कैश एट बैंक का भी दिया है, बोथ आर एसेट्स, दोनों ही इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे. देन एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स. इसमें लाइफ मेंबरशिप जो है वो नहीं आएगी बिकॉज दैट इज नॉन रिकरिंग आइटम. लाइफ मेंबरशिप फीस ये बैलेंस शीट में जाएगी. एक ओपनिंग बैलेंस की जो हमने बात करी है वो भी आपका जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट को. देन पेमेंट्स में से रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, 3% फिक्स डिपॉजिट्स एंड बैलेंस क्लोजिंग. इसमें से क्लोजिंग बैलेंस जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक का है ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा. बस याद रखना जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड कैश एट बैंक का वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है, जो क्लोजिंग वाला है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रहा है. इसके अलावा इसमें एक बुक्स है जो नहीं आएंगी, बैलेंस शीट का पार्ट एसेट परचेज की गई है. एक 3% एफडी है, फिक्स डिपॉजिट भी आपकी एसेट है, ये भी आपकी बैलेंस शीट में आएगी. एक यहाँ वर्ड लिखा है ऑनरेरियम. ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंस है. ऑनरेरियम वो होता है जब हम अपने सोसाइटी में, क्लब में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को बुला लेते हैं, उसको ऑनर करते हैं, एक्सपेंस उसको ऑनर करते हैं. ऑनरेरियम वर्ड ऑनर से बना. सपोज हम कह सकते हैं हमने क्लब में अपने एक मेडिकल कैंप लगा दिया, मेडिकल कैंप लगाया, कोई मेडिकल चेकअप कम, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसके लिए हम डॉक्टर्स को बुलाए. डॉक्टर्स को वहाँ हमने कोई फीस नहीं पे, डॉक्टर वहाँ पे अपनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं. डॉक्टर्स को हमने जो उनको ऑनर किया, कोई उसको कोई शील्ड ट्रॉफी दे दी या वैसे उसको कुछ दे दिया, कोई उस पर जो खर्चा हुआ दैट इज ऑनरेरियम. दैट इज ऑनरेरियम एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर द क्लब और विल बी देयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस साइड. ये आपका एक्सपेंसिस में आएगा. देन एडजस्टमेंट्स में उसने कहा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स फॉर ₹2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹85,000. सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹4,500 एंड 6 months रेंट एट ₹1,400 पर मंथ बस ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. ये पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन करने वाले हैं बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड सो मच टाइम वेस्टेज ऑन रीडिंग द सम टाइम एंड अगेन. बार बार नहीं पढ़ सकते हो आप, एक सम को एक बार ही पढ़ोगे. एक बार पढ़ने के बाद जो उसमें पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, की एरियाज हैं, उसको आप अंडरलाइन करोगे. अदरवाइज आप हर चीज के लिए, हर पॉइंट के लिए आप पूरे पूरे सम पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट द पेपर. ऊपर से अगर कैलकुलेशन वीक हों तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. तो जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना. यहाँ पॉइंट क्या है एक्चुअली, जो उसने लास्ट में लिखा है ना, एडजस्टमेंट्स में सेकेंड लाइन का एंड एंड 6 months रेंट एट 1400 पर मंथ. पहली बात तो ये पर मंथ दिया हुआ है और 6 months का है, इट मीन इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अंडरलाइन द वर्ड पर मंथ. ये चीजें वो हैं जो आपकी कैलकुलेशन जो है वो खराब करेंगी. सम दोबारा करना पड़ सकता है, टाइम कितना वेस्ट होगा. वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. अंडरलाइन बोथ द वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंड. ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आना है या क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आना है, दोनों में ही आएगा. एंड ही सेज अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ हमने देख लिया ना प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमने आगे सम नहीं पढ़ना. अगर आप सम पढ़ोगे आप देखोगे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर सी एडजस्टमेंट यहाँ भी दी हुई उसमें छुपा के. आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स. This is the amount of depreciation on furniture and books. Writing off amount, depreciation will be there on the debit side of income expenditure account. ये adjustments हैं आपकी, इससे आपका receipt and payment account और balance sheet जो है वो बनेगी. Now हम उस दिन भी बात कर रहे थे balance sheet बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए. If you want to prepare balance sheet, हमारे पास क्या होना चाहिए. मिताली वो दीजिए. ओपनिंग कैपिटल फंड अगर वो हो तो ठीक है, हमारी सीधी बैलेंस शीट बन जाएगी. अगर वो ना हो हिमानी, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, या फिर उससे बेटर ऑप्शन क्या बनाई थी हमने?
ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ही हो जाएंगी, है ना, वो हमारा कैपिटल फंड आ जाए। कैपिटल फंड इज नथिंग बट कैपिटल एज इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, एनपीओ में वो कैपिटल फंड बन जाता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सिर्फ रिसिप्ट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो उसके लिए हमें कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो इनकम वहां पे देख लेना पूछा क्या गया है, और ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, वी आर यूज्ड टू प्रिपेयर बोथ द थिंग्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वहां हम देखते नहीं है कि इनकम एक्सपेंडिचर ये पूछा है या बैलेंस शीट पूछी हुई है, हम बना देते हैं बैलेंस शीट। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, जो पूछी नहीं गई उसके मार्क्स भी नहीं मिलने। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यू ऑल्सो स्टार्ट चेक करते मिलाते हैं हम। यस, नंबर 47 हम डिस्कस कर रहे थे, जो पॉइंट सिंपल हैं बिल्कुल वो मैं ऐसे ही टिक करवा रहा हूँ। यहाँ पे सैलरीज विदाउट एनी एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम और ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑनरेरियम को हमने पहले डिस्कस कर दिया, ये सिंपल है। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन और आपको बुक्स की डेप्रिसिएशन आपको सम के बाहर एडजस्टमेंट में दी हुई है, ये भी सिंपल है। इधर से एंट्रेंस फीस आपको ऐसे ही दी हुई है, सरप्लस ऑन दैट एंटरटेनमेंट इवेंट से ये आपको ऐसे ही दिया हुआ है। लिगेसी हमारी बुक ने, इसको हम उस दिन बात भी कर रहे थे, लिगेसी में डाउट है, कंट्रोवर्सी है कि कहाँ लेनी चाहिए इसको, हमारी बुक ने इसको जो है वो लिया हुआ है अपने इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर वहाँ स्पेसिफाई ना किया, जैसे हम डोनेशन में कर रहे थे, डोनेशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो जनरल डोनेशन है, इनकम एक्सपेंडिचर में आ रही थी। अगर वो स्पेसिफिक है तो फिर वो बैलेंस शीट में आएगी। ऐसे ही लिगेसी, ठीक है, लिगेसी जो है अगर कोई चेंज आई सीबीएसई की साइड से तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। टाइमिंग हम इसको जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में लेके चल रहे हैं, ओनली जनरल डोनेशन, जनरल लीगेसी। अगर कोई लीगेसी स्पेसिफिक होगी जहां पर्पस मेंशन किया होगा वो बैलेंस शीट में आएगी, और अगर ना बताया गया होगा तो लीगेसी हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में ही आएगी। एक ये पॉइंट आपके बिल्कुल सिंपल थे, और जो पॉइंट आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक आपको रेंट दिया हुआ है इक्विपमेंट साइड फर्स्ट आइटम 16,800, इसकी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट उन्होंने पहले भी पढ़ी है, 6 months rent at the rate of 1400 per month was due both in the beginning and at the end of the year, both in the beginning opening due और closing due outstanding rent है हमारी liability है। आपको वो याद होगा जो मैंने उसने डिस्कस किया था, outstanding and advance हम प्लस करते थे, ये माइनस करते थे, ऐसे ही होता था। प्लस माइनस कौन सा करते थे, क्लोजिंग वाला, एंड वाला, और बिगनिंग वाला, ओपनिंग वाला हम इसको रिवर्स कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को माइनस कर देते हैं, एडवांस इन द बिगनिंग को हम प्लस कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसको, ऐसे ही है। ठीक, अब यहाँ पे उसने कह दिया 8400 जो थे वो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग भी थे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी थे। 16,800 में 8400 प्लस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, 84 ही माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाले, प्लस क्लोजिंग वाले, ओपनिंग वाले प्लस माइनस सेम किया तो आउटस्टैंडिंग आपका रेंट की जो अमाउंट है 16,800 ही रह गई। अगर आप नहीं करोगे इसको प्लस माइनस, आंसर तो आ जाएगा, सम गलत हो जाएगा। एंड जो 8400 रुपीज हैं वो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग भी हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी हैं, तो बैलेंस शीट में भी आएगी। दिस आई हैव प्रिपेयर्ड एज वर्किंग नोट, आउटस्टैंडिंग रेंट यू कैन सी लायबिलिटीज में है इन द बिगनिंग, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे एट द एंड लायबिलिटीज में है। ठीक है, तो यहीं से ये प्लस और माइनस हुआ किया गया है। देन आपका इधर एक पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का भी सेम पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन आपको दी हुई है 1,60,000 की, आइटम नंबर 3 इन रिसिप्ट साइड 160 की, और उसने नीचे कहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वाज 3500 एंड एट द एंड वाज 4500। इन एरियर मींस ड्यू आउटस्टैंडिंग, तो एंड वाली प्लस बिगिनिंग वाली माइनस, इसे प्लस माइनस किया 160 प्लस 4500 माइनस 3500 इज 161,000। ये पॉइंट डिस्कस करने वाला था एक आपका यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में। एक आपका डिस्कस करने वाला है जो उसने फिक्स डिपॉजिट्स परचेज किए हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपकी एसेट है एंड हैज बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना ये बातें, जो पेमेंट साइड पे आपको दिया हुआ है ना, दिस इज ऑल दैट डाटा जो जो साल के ड्यूरिंग हुआ है, साल के शुरू में नहीं था। फिक्स डिपॉजिट्स इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। पिछले साल नहीं थी हमारे पास, हमने कब परचेज किया आप देखो, उसने लिखी है डेट 1st अक्टूबर 2020 को,
ओपनिंग डेट क्या थी हमारी, 1 अप्रैल 2020, तब तो हमारे पास थी भी नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इट हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। आप नोट कर सकते हो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट्स लिखी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं नहीं है। द पॉइंट इन इनकम एक्सपेंडिचर इज रिगार्डिंग इट्स इंटरेस्ट ट्रीटमेंट। हम दूसरे में बात कर रहे थे, जब भी आपको ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट के आगे या लोन के आगे इंटरेस्ट की परसेंटेज दी गई हो, आपने तो खुद कैलकुलेट करनी है और खुद उस कैलकुलेट करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। 80,000 रुपीस की फिक्स डिपॉजिट्स हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st October 2020 एट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट निकालें इसका 80,000 का सिंपल इंटरेस्ट 3% एंड 6 मंथ्स, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 1200 रुपीस, मीन हमने 1200 रिसीव करना था। अब इसमें से हमने निकालना है हमने रिसीव कितना किया हुआ है। अभी जो रिसीव किया होगा वो आपको बैलेंस इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे दिया होगा, रिसिप्ट साइड दिया होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि सारे का सारा जो है हमारा वो आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इंटरेस्ट है, इट विल बी देयर इन द इनकम साइड, लेने वाला पड़ा है। साइमल्टेनियसली इट विल बी देयर इन द बैलेंस शीट आल्सो एट द एंड वाली बैलेंस शीट। 1200 रुपये आप देख सकते हो यहाँ पे है 1200 रुपीस, ओपनिंग में नहीं आएगा, क्लोजिंग में आएगा ये, ठीक है। ये है आपका, इससे आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपका ओवर हो रहा है, जितनी आइटम थी वो सारी कवर हो रही है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका जो है वो यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस करके तो वी फाइंड कि जो सरप्लस है हमारा वो 56,500 का आ रहा है। Now we have to prepare balance sheet also, but before preparing closing balance sheet, we have to prepare opening balance sheet because we have not been given capital fund. And capital fund can be calculated by deducting liabilities from the assets. So simply preparing balance sheet. And balance sheet जो है, that is a position of the club on a particular day. जो हमने opening balance sheet बनाई है, ये बताएगी opening इस date को, 1st April 2020 को business की position क्या थी, but what the assets and what were the liabilities. एंड सिमिलरली जो हमने 31 मार्च को बनाई है, ये 31 मार्च वाली बताएगी हमें ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स लाइबिलिटीज कितनी कितनी थी। जिस डेट की बैलेंस शीट बन रही है उस डेट की जो एसेट लाइबिलिटी की पोजीशन है जो बतानी है हमने वहाँ पे, तो जो 31st April 2020 का बैलेंस शीट बनेगी ये उस दिन की जो एसेट लाइबिलिटीज थी वो बताएगी। उसने पॉइंट नंबर बैलेंस शीट में रिसीप्ट पेमेंट पे नीचे लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पजेस्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2 लाख एंड फर्नीचर 85,000, ये हमारी एसेट है बुक्स एंड फर्नीचर, ये हो गया। देन ही सेज सब्सक्रिप्शंस इन द इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एरियर वर 3500, ये हमारी एसेट बन गई, लेनी है हम, जो पैसे लेने वाले पड़े हैं वो एसेट है, देने वाले पड़े हैं वो लाइबिलिटी। एंड 6 मंथ रेंट ये देने वाला पड़ा था, ये हमने लाइबिलिटी में लिखा हुआ पहले डिस्कस किया, ठीक। देन इसके अलावा हमने उस दिन भी बात करी थी कैश इन हैंड का या कैश एट बैंक का जो बैलेंस है ना आपको, तो वो जनरली सम के बाहर दिया नहीं होता, वो आपने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से लेना होता है। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन, जनरली हम यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओपनिंग यहाँ पे है 10,000 और 21,900 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इतना ही डाटा था हमारे पास, ये हमने भी दिया। डिफरेंस जो है आपका वो बन रहा है 3,12,000, जो कि आपका कैपिटल फंड ओपनिंग आ जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है ना ये बनानी, इट विल बी वेरी इजी इफ वी हैव ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसकी उन आइटम्स की एसेट्स की या लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज करनी, अगर परचेज हुई है तो प्लस, सेल हुई है तो माइनस, डेप्रिसिएट हुई है तो माइनस, ये 3 चीजें हैं एसेट्स में, ठीक है। पहले वहां पे आइटम थी बुक्स, यहाँ भी हम बुक्स लिख देंगे, हमारे पास पहले थी 2 लाख की, 2 लाख प्लस 21,300, ये कौन से हैं जो हमने परचेज किए हैं, जो परचेज किए होंगे उसका पेमेंट की होगी, पेमेंट साइड दिया होगा, जो सेल किया होगा उसकी रिसिप्ट साइड दिया होगा, प्लस 21,300 माइनस 11,300, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन जो हमने ये चार्ज करी, 2 लाख प्लस 21,300 माइनस 11,300, दिस इज 2,10,000 वैल्यू ऑफ बुक्स। सिमिलरली फर्नीचर, अगले आइटम की फर्नीचर 85,000 माइनस 5,000 सिर्फ डेप्रिसिएशन दी हुई है, कोई यहाँ परचेज नहीं है, कोई यहाँ सेल नहीं है, सिर्फ डेप्रिशिएट करेंगे। आफ्टर दैट
सब्सक्रिप्शन ड्यू वाज देयर, ओपनिंग वाज 3500, क्लोजिंग 4500। आपको जहां 35 दी हुई है रिसेप्शन पेमेंट के नीचे, वहीं एट द एंड वाली अमाउंट दी है 45। यहीं से हमने यहां प्लस माइनस किया हुआ, ये देखो ये प्लस किया है 4500 का, ये एट द एंड वाला था, और जो माइनस किया है 35 ये इन द बिगनिंग वाला। उसके बाद था कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये आपने क्लोजिंग वाली वैल्यूज ले लेनी है। आपको दी हुई है बैलेंस शीट 2024 200। उसके अलावा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखें तो फर्स्ट आइटम वाज 8400 का रेंट, जो उसने खुद ही कह दिया है सेम अमाउंट जो है वो बिगनिंग में है ड्यू, सेम अमाउंट जो है वो एट द एंड ड्यू है 84 एंड 84। ठीक, एक यहां आपको दी हुई थी फिक्स डिपॉजिट्स व्हिच हैज बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने पहले भी बात करी, फिक्स डिपॉजिट जो है ये एसेट साइड आएंगे 80,000 क्लोजिंग में आएंगे, बिकॉज ओपनिंग में हमारे पास नहीं थे। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1st October 2020 इट वाज परचेज्ड, और इसका जो इंटरेस्ट है ये वाला जो हमने निकाला था, इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार, एक्रूड है, तो ये एसेट साइड बैलेंस शीट में भी आएगा, ये भी आएगा। देन कमिंग बैक टू दिस लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड जो यहां से कैलकुलेट किया 312,000 प्लस 56,500 का सरप्लस जो ये वाला हमारे पास आया, इसको ऐड कर दिया जाएगा, प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी इसी में ही ऐड कर दी जाएगी। हमने उसकी भी बात करी थी, बैलेंस शीट में आती है ये, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस हो, एंट्रेंस फीस हो, कहा गया हो कैपिटलाइज करनी है, वो भी यहीं पे ही आएगी। बाकी और कुछ ऐसी आइटम्स और भी होंगी जो जनरल होंगी, वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी। इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट ये बनेगी 393,500। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट मैच करेंगे हमारी दोनों साइड जो है वो मैच कर जाएंगी विद रुपीज 4,01,900। इससे हमारी जो बैलेंस शीट है मैच कर रही है। इस सब में आपको ऐसे चैप्टर में हर एक सब में 6 मार्कर में पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्कैटर्ड सी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो रिसिप्शन पेमेंट्स में दी हुई है, कुछ आपको कैलकुलेट करनी पड़ रही है। आपने बस ये याद रखना है कि आप बना क्या रहे हो, किस डेट का बना रहे हो। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो यू मस्ट हैव द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन दैट डेट। ओपनिंग की है ओपनिंग फिगर उठा लो, क्लोजिंग की है तो क्लोजिंग फिगर उठा लो। ओपनिंग बना के क्लोजिंग बनाना वेरी इजी। आपने आइटम लेके उसको सिर्फ वैल्यूज जो है वो चेंज करनी है, प्लस माइनस करनी है। इसके अलावा अगर साल में कुछ और हुआ है तो वो ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ फिक्स डिपॉजिट ऐड की है जो कि ओपनिंग में नहीं था, जैसे हमने यहाँ लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करी है कैपिटल फंड जो कि ओपनिंग में नहीं थी, ऐसे आपने करना है। ओपनिंग बन जाएगी आपकी, ओपनिंग के बाद क्लोजिंग बड़ी इजी बन जाएगी। पहले पहले जब सम्स करते हैं थोड़ा टाइम लगता है इस चैप्टर में, बाद में आपके जो सम्स हैं ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे और जल्दी होने लगता है। अभी टाइम लगेगा, अभी ऐसे हमने अभी एक सम किया, सिर्फ एक सम किया, उसको समझाया, उससे पहले डिस्कस किया, पूरा पीरियड निकल गया हमारा, है ना। ये सम जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने इसको सम्स को टिप्स पे लेते रहोगे वैसे वैसे ही आपका टाइम सेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है, कितनी अमाउंट प्लस करनी है, कितनी माइनस करनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये तभी आपकी सॉल्व होंगी जब आप सम्स जो है वो खुद सारे करोगे। अब मैं आपको एक सम देता हूँ कल के लिए जो आप करके आओगे, एंड दैट सम इज सम नंबर 49। और इस सम में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी, ऑलरेडी दी हुई है, जो ऑलरेडी दी हुई है वहां पे देख लेना कि वो एडजस्टमेंट्स भी हैं, है ना। जैसे लायबिलिटी साइड अगर आप देखोगे सैलरीज अनपेड लिखा हुआ, दीज आर सैलरीज आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो कि माइनस की जाएगी, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी से माइनस करेंगे। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग एडवांस प्लस किया जाएगा सब्सक्रिप्शन में इस टेबल के हिसाब से। ये टेबल मैंने उसने भी बताया था आपको, बहुत काम आना है, प्लस माइनस प्लस वाला बहुत काम, हर चैप्टर में हर सम में काम आएगा। देन आपको ये आपको दिया हुआ है एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस की जाएगी सब्सक्रिप्शन में से। ठीक है, बाकी आपको नीचे भी एडजस्टमेंट्स दी हुई है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होता है, हो जाए, गलत होने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ना करने की। आप देखना कि सम में मोर देन हाफ आइटम्स ऐसी होनी है, सिंपली लिखनी है, जैसे हमने यहाँ भी लिखी सैलरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन एरिया ऑफ एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, मोर देन हाफ आइटम्स ऐसी थी जो आपने एज इट इज लिख, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर है कि एक्सपेंस है कि इनकम,
बाकी आप प्लस माइनस करोगे, अगर आपने 20 आइटम लिखी 20 में चार पांच गलत हो गई वो हम चार पांच ठीक कर लेंगे, टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने 49 से सम जो है वो करना है, यही आपका आज का होमवर्क है। और कल हम कोशिश करेंगे हम 49 से डिस्कस करें और एक सम जो है वो एक दो सम और एक्स्ट्रा भी करें। ठीक है, आपकी साइड से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। स्टिल 1 मिनट इज देयर। थैंक यू वेरी मच।